से पहले तो अपना तो एक बात मैं आपको बताता हूँ ना। पहले जो हल्की हल्की खांसी उठती थी ना, डबल या सिंगल, उसमें तकलीफ कोई नहीं थी। लोग भी देखते थे कि वो बहुत तकलीफ होगी, मगर कोई तकलीफ नहीं थी। हल्की सी खारिश मजेदार सी, जैसे मुनमुन हो गया जख्म, तो उसको फिर भी सी होती है। लेकिन परसों रात, अब ये पता नहीं कौन सा खाना खाया गया है, बाहर से आए हुए थे, बाजुओं का ख्याल है जो लेडीज ने प्रैक्टिस की थी, किसी ने कोई खट्टी चीज डाली, किसी ने कोई खट्टी चीज, एक मछली भी अभी बुगरी आई थी, सब खट्टी, और हुक्म यह था कि खानी जरूर है। इसलिए वो अल्लाह बेहतर जानते क्या था, मैं उसी वक्त गला पकड़ा गया था, जो गला संजीद था ना, सख्त किस्म छाती में उतरता है। रात सोते वक्त भी महसूस हो रहा था कि छाती कुछ हो रहा है, एक हल्की सी कमजोरी आती है, दर्द होती है साथ, वो खबर दे देती है कि कुछ होने वाला है। सुबह तक गला पकड़ा गया था। ऊपर से यहाँ 2.5 घंटे की मजलिस लगी सवाल जवाब की। रहम जी बलमा दोस्त लाए हुए थे, उसमें कई दफा आदमी बेकाबू भी हो जाता है आवाज के लिहाज से। उसके बाद तो फिर यूँ लगता है जैसे छील दिया नाखून से किसी ने। फिर बुखार शुरू हो गया, डर था कि पूरा फ्लू डेवलप होगा। इससे पहले जो नजला वगैरह होता है उसमें बुखार नहीं कभी हुआ था, सती था सिर्फ। लेकिन फिर मैंने एक दवाई खाई, मैं उसकी तरफ नहीं बना रहा हूँ आपके लिए, आर्सेनिक 1000 की आम मामूल के खिलाफ 3 खुराकें खाई हैं 10-12 घंटे के अंदर, और उससे बुखार बिल्कुल दूर हो गया। कोई निशान नहीं रहा, रात कोई खांसी नहीं उठी, आराम से सोया हूँ। सुबह उठकर जो नज़ले का फ्लू का बाकी असर होता है, छाती थोड़ी सी भरती है मामूली, उससे फिर दोबारा खराश हुई, और अभी मैंने दोबारा एक खाई है खुराक, इसलिए हो सकता है मुझे अंदर से तो महसूस हो रहा है कि बहुत बेहतर हुआ है। तो आर्सेनिक आपको बुखारों में याद रखनी चाहिए। यहाँ जितने फ्लू फैले हैं उनमें आर्सेनिक की 1-2 खुराकें मैं देता रहा हूँ, हमारे घर के बच्चे दूसरे बिला इस्तेमाल सब बुखार उतर गया। मलेरिया में मैंने आपको बताया था कि आपने बहुत छोटी की दवा है, और वहाँ भी 1000 ताकत या ऊंची देनी चाहिए, छोटी में इतना काम नहीं करती। और ये जो खांसी का है बाकी असर, इसमें अब मैंने बेसिलिनम 1000 ली है और फास्फोरस 30 खा के देखिए, जब मैं खाऊं तो वो फौरन फर्क पड़ता है। लेकिन अब मैंने नहीं खाई क्योंकि आर्सेनिक वक्त आ रहा है ना 12 बजे, 12 और 1 के दरमियान, तो थोड़े से आसार दोबारा शुरू हुए थे, इसलिए मैंने पहले आर्सेनिक ली है। आज दोपहर को फिर फास्फोरस 30 शुरू करूंगा, फिर शाम को देखेंगे क्या असर होता है। फिलहाल वो बेचैनी जो पहली थी गले में वो ख़त्म हो चुकी है, और ये दौरे उठते हैं जैसे अभी उठे थे, ये इकट्ठे उठ के कुछ देर के बाद फिर छोड़ देते हैं, स्पैज़मोडिक सा है। अब देखेंगे, जो भी मैं अपने को तजुर्बा करूँगा आपको भी बताऊँगा साथ साथ।